साइन। आप हम क्या बताए, अगर कहें बाबू ये 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या समझे, 2 raised to the power 1/2। अब इसका वैल्यू ये इतना आता है, आप लोग कैसे आता है सर, तो स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका होता है बाबू, स्क्वायर रूट जो निकालने का तरीका होता है उसी तरीके से आता है। आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप लोग इसके वैल्यू को याद रखो, ठीक है ना। हम बताएंगे, एक चैप्टर है क्यूब रूट स्क्वायर रूट करके, एक चैप्टर है ना, तो बताएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप लोग 3 डिजिट से याद रखो, 1.414 रूट 3 के वैल्यू, 3 के रूट 3 आई है बाबू, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसको हम लोग क्या करें, 3 के पावर 1/2, तो इसकी वैल्यू कितना 1.3203 इतना। तो ये बाबू क्या है, इरेशनल नंबर है, क्यों सर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों नॉन, क्योंकि इसके बाद नंबर आते जाएगा रिपीट कर भी नहीं करेगा, तो ये बाबू क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये भी ऐसे इरेशनल। तो जब इरेशनल नंबर आएगा बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेरा एक सर्च है। नेक्स्ट बाबू आपका क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया बाबू, 4 हो गया, नेक्स्ट बाबू क्या 5th, ठीक है ना, क्या बाबू 5th है ना, तो ये 4 है। अब 4 बाबू ये सर्च होगा कि नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा बताइए। तो 4 को देखो, हमने आपको क्या बताया, 4 को हमने क्या लिखेंगे, 4 raised to the power 1/2 है ना, ठीक है, ठीक है बाबू। तो इसको फर्दर आप पहले इसको ऐसे कीजिए, है ना, ये स्क्वायर रूट 4 है ना बाबू, स्क्वायर रूट 4 है, तो 4 को हम लोग 2 into 2 नहीं लिख सकते बताइए, 4 को बाबू 2 into 2 नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, ये तो बताएं। उसके बाद बाबू 2 into 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 into 2 raised to, जितना टाइम जाएगा उतना पावर होगा, और e स्क्वायर रूट के बदल बाबू हम लोग पावर 1/2 नहीं कर सकते हैं, 1/2 नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, अब आपको अगर प्रॉपर्टी बताए ना बाबू, अगर ये 2 raised to the power 2 और इसके parentheses के आगे भी पावर है, मैंने पावर raised to the power, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा बाबू, 2 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। अब बाबू 2y multiplication 1/2, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू, 2 बचेगा 2 raised to the power 1 बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो देखो यहाँ पे जो आ रहा था बाबू, मेरा क्या आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग में चला रहा, देखो यहाँ क्या टर्मिनेट हो गया ना, 2 के बाद कुछ भाई है नहीं, मैंने एक फिक्स वैल्यू आ गया बाबू, तो ये मेरा क्या हो गया, जब फिक्स वैल्यू आ गया तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, रेशनल नंबर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन को बाबू इस तरह से अगर फैक्टर करने पे, इस तरह से आप फैक्टर करोगे, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करोगे, तो अगर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा बाबू, इक्वल टू क्या आएगा बाबू, अगर रेशनल नंबर आएगा तो ये मेरा एक सर्च नहीं होगा, ये रेशनल नंबर आ गया, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर आ गया बाबू, तो ये मेरा सर्च नहीं बनेगा, ये बाबू सर्च नहीं बनेगा, है ना, ये मेरा सर्च नहीं बनेगा, ठीक है, अच्छी बात है ना। उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार, तो जिसको जिसको सिंप्लीफाई करने पे अगर एक रेशनल नंबर आ जाएगा तो वो सर्च नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा बाबू, सर्च होगा, सर्च, है ना। सिक्स नंबर क्या करा बाबू, अगर कहीं पे ये 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 कैसे फैक्टर करोगे, 5 को 1 into 5 करोगे ना, लेकिन 2, 4 को तो कर सकते हो, तो स्क्वायर रूट जो 5 है बाबू, इसकी जो हम लोग लिखेंगे फर्दर कैसे लिखेंगे, 5 raised to the power 1/2। अब इसकी जो वैल्यू आती है बाबू, आपको ध्यान रखना, स्क्वायर रूट 5 की जो वैल्यू आती है बाबू, 2.236 आप 2 इस तरह से आते रहेगा, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर हो गया। तो ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, ये बाबू क्या है, इरेशनल नंबर है, ये क्या है बाबू, इरेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल नंबर आएगा तो मेरा ये क्या होगा, एक सर्च बनेगा, ये बाबू क्या होगा, सर्च बनेगा, है ना। तो इस तरह से बाबू, है ना, 5, 6, 7, 8 सभी का स्क्वायर रूट का वैल्यू भी याद रखना, स्क्वायर रूट का वैल्यू याद रखना, क्योंकि आपको कंपटीशन के एग्जाम में जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम 1 से लगा, ये बाबू हम लोग 3 से लेकर, 3 एग्जाम्पल है ना, तो 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, इसी तरह से बाकी सबको लिखेंगे बाबू। तो आप लोग आप समझाएंगे क्या, इतना आप लोग लिखिए, लिखते चलिए, जल्दी जल्दी लिखिए, 5 मिनट बच रहा है बाबू, बाबू सबको स्कूल जाना है। लिखिए जल्दी से, इसी तरह से 10 तक लिखा देते बाबू, है ना, और उसका वैल्यू याद रखना। सेवन नंबर, स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू क्या बाबू, 6 के पावर 1/2, है ना, 6 के पावर 1/2 बाबू, तो इसके वैल्यू कितनी आती है, 2.444, 2. कितना था बाबू, 4494, 4494। तो ये भी मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर, ये भी बाबू क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, तो ये मेरा क्या होगा, सर्च होगा। 8 नंबर बाबू, √7, तो इसको कैसे लिख सकता है, 7 raised to the power 1/2, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बाबू, 2.6457,
ठीक है, ये सब भाई लो याद रखना, 2 पॉइंट बाबू स्कूल जाना ना, ठीक है। ये भी बाबू क्या, एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी मेरा क्या होगा, एक्सट्रा होगा, है ना। ये बड़ा कॉमा दे दिया, मतलब ऊपर वाला ही सिंबल बाबू क्या होगा, नीचे होगा। उसी प्रकार बाबू 9 नंबर 8 हो गया, और 10 नंबर बाबू ये 9 हो गया, और 11 नंबर बाबू √10 हो गया। अब ये 3 को अपने खुद बनाना, सर ये क्या हम इसका भाई लो लिख लिख देते, ठीक है ना। के अब आप टू, मतलब लिखिए सर लिखिए लिखिए, फाइव चलिए पे यहाँ। अंडर रूट फाइव का वैल्यू क्या लिखे, 2 अरे 5 है, और 2.236 है बाबू, 2.236 है। ये भी क्या, एक रेशनल नंबर है ना। सर एकदम धुंधला दिख रहा है, हाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाबू, सभी को ब्लर दिख रहा है, अन्य सब बाबू ब्लर दिख रहा है। यस यस सर, ब्लड दिख रहा है पूरा। हाँ सर, ब्लड दिख रहा है। चलिए ठीक है बाबू, जो दिख रहा है ऐसे देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक दिख रहा है सर वैल्यू निकालना कैसे है पर? भाई लोग, बाबू आपको बोल रहे हैं ना, जब क्यूब रूट स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अभी फिलहाल 1 से 10 तक का याद रखो, अभी दिख रहा है क्लियर आपको? हाँ ये सर आप ही ना बोले कि 8 9 10 का तुम लोग बना के लाना। बाबू, अरे वो रिचार्ज खत्म हो गया ना, डाटा से लगता है, चीज कनेक्ट करो ना। सर मोबाइल रोटेट है ना हाँ, सर? रोटेट हो गया बाबू, उसका भी रिचार्ज, मेरे देखो ब्रो रिचार्ज खत्म हो गया, ठीक है ना। उसको रिचार्ज करेंगे तो फिर होगा, मोबाइल रोटेट है तो आप रोटेट करो। कैसे सर वो 8 वाला का करेगा वैल्यू बता लैपटॉप रोटेट? दीजिए ना। रोटेशन, हाँ 8 वाला बाबू, 8 वाला। आपको दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा टू है पॉइंट छोटा एट थ्री छोटा एट दिख आता रहा बाबू, है। इस तरह छोटा छोटा दिख रहा है आपका रोटेट, ठीक है। तो ये भी बाबू क्या इरेशनल नंबर है, तो ये भी मेरा शर्ट होगा क्या बाबू, सतीश बाबू? हमको दिख रहा है इसको आप लोग 9 को खुद करके आइएगा बाबू, 9 को खुद करके आइएगा, ठीक है। 9 को खुद करके आइए, सर्च बनेगा कि नहीं बनेगा आपको खुद करना, ठीक है बाबू। 10 का जो वैल्यू होता है बाबू 3.1622 है ना, तो ये भी मेरा बाबू क्या, एक इरेशनल नंबर है बाबू। क्लियर, जो भी दिख रहा होगा क्लियर दिख रहा होगा। 10 रेज टू द पावर बाबू 1/2, तो ये भी बाबू मेरा क्या, एक ई रेशनल नंबर हो गया, ई रेशनल नंबर हो गया। तो ये भी बाबू क्या बनेगा, एक सर्ट बनेगा। 10 नंबर खुद कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं क्लियर दिख रहा है क्या? सर अब दिख रहा है। चलिए ठीक है, जिसको जिसको क्लियर नहीं दिख रहा बाबू, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर ग्रुप में डाल देंगे। 9 नंबर 10 नंबर खुद करना, 10 नंबर खुद करना। चलिए अच्छी बात है, तो इस तरह से बाबू हम लोग पहचान जाएंगे कि कौन सर्ट्स है कौन सर्ट्स नहीं। आगे बाबू इसी को हम फर्दर करेंगे, थोड़ा सा हम कंप्लीटेड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना, कि कैसे पहचानेंगे सर्ट्स है कि नहीं, है ना। 9 नंबर खुद से बनाना है। हाँ 9 नंबर खुद से बनाना है। हाँ बाबू, अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग का होमवर्क क्या है, जो चैप्टर है बाबू उसको चैप्टर हम घिस के भेज देंगे, ये इंडिसेस थर्ड या थी इंडिसेस एक्सपोनेंट है सर, उस चैप्टर को बनाना शुरू कीजिए। 50% से ज्यादा हम कवर करवा दिए, थोड़ा सा सर्ट का कंसेप्ट बताओ, उसको बनाना शुरू कीजिए। बुक का बाबू, बुक का पेज नंबर कितना है उसको आप लोग बनाना शुरू कीजिए, 3 दिन 4 दिन में बनाइए आराम से। जो बाकी जिसके पास बुक नहीं बाबू, उसको हमें मेरे हिस्से दे देंगे, ठीक है ना। तो पेज नंबर बाबू 69 टू, ठीक है बाबू भेज देंगे। पेज नंबर 69 टू बाबू 78 तक है ना, तो इसको बनाना शुरू कीजिए आप लोग, 4 दिन 5 दिन में बनाइए, है ना। आज अटेंडेंस ले लेते बाबू, अटेंडेंस आज नहीं हो पाया, कल भी नहीं हो पाया था, लगभग स्टूडेंट तो आते हैं ना सर। आजोगे बाबू 15 तारीख ना, शिवांगी आई है, नंदिनी बाबू आई है, अन्यसा भी आई है। कल आप लोग बाबू एंजॉय कीजिए सरस्वती पूजा बाबू, ऋषभ भी है, सतीश बाबू भी है, शिवानी भी है, शिवम भी है, अभिनव बाबू भी है, आनंद बाबू भी है, सौम्या है, शालिनी,
नहीं है, आरन नहीं है। 40 तारीख को आनंद बाबू कल नहीं आया था बाबू? नहीं सर, सोए हुए रह गए थे। आज की क्लास समझ में आया आनंद बाबू? ये सर आया था। चलिए ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देखे, देखते हैं वीडियो बाबू सही से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बाबू, आप जिसको स्कूल जाना है जाइए आराम से। ठीक है, कल आप लोग का एंजॉय कीजिए, है ना सरस्वती पूजा, मेरा ब्रॉडबैंड करी चाहिए। हाँ बाबू बोले सतीश बाबू। होमवर्क चेक होगा कल सर? होमवर्क बाबू स्कूल जाना ना, जाइए ना आप लोग, होमवर्क चेक कर लेंगे, कखन यूज करी भी चेक कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा सर मैं लैपटॉप से कर रही हूँ ना, तो मैं आपको होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगी या तो आपको पर्सनली भेज दूंगी। सर मेरा चेक नहीं बाबू, ग्रुप में डालिएगा, ग्रुप में डालेगा वो, पर्सनली सेंड मत कीजिएगा, ठीक है ना, ग्रुप में रहेगा सब देखेगा भी नहीं कि कहाँ आप लोग गलत किए नहीं किए। जो भी बाबू क्लास से रिलेटेड नोटिस रहता है ग्रुप में डालिए, ठीक है ना, पर्सनली डालेगा तो सिर्फ हमारे पास आएगा ना, ग्रुप में डालिएगा सभी के पास जाएगा, है ना। ठीक है बाबू, इसको बना के लाना है, इसका स्क्रीन शॉट हमको लेना है ना, भेजना है ना। और आप लोग बाबू बुक का क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, ठीक है बाबू, एंड कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं पूछना है तो एंड कर रहे हैं बाबू। सर रिकॉर्डिंग बंद कर देना। ठीक है बाबू एंड कर रहे हैं, हैव अ नाइस, कर दो बंद सर। तभी आपको स्कूल जाना रहता बाबू? हाँ सर, समय बोलिए, समय बोलिए, ठीक है जाइए। समय आपको भी जाना है सर? स्कूल नहीं जाना लेकिन रिकॉर्डिंग करना है। क्या बाबू? ये देखो शिवानी, शिवानी का सा... अच्छा कितने बजे से बाबू? शिवानी का सैतानी देखो स्क्रीन शेयर किए हुए, 7:20। ठीक है बाबू जाइए, ठीक है ना, जाइए, एंड करें बाबू, जाइए आनंद बाबू, हैव अ नाइस डे बाबू, गुड।